वैसे भी मोदी जी को हम तो हिमालय भेज रहे हैं, हमको कुछ पत्रकार पूछ रहे थे भाई क्यों, बहुत पका दे इतना झूठ, इतनी जुमलेबाजी, इतना पकाऊ और बोरिंग आदमी कभी देखा। मुझे तो कन्हैया को सुनने में दिलचस्पी है, मुझे तो उमर और विनय को सुनने में दिलचस्पी। मोदी जी बहुत पका। किसी ने बोला हिमालय क्यों, मैंने ठीक है नैनीताल चले जाए, जगह वो पसंद करने के लिए हमारा भीजा मत खाए। सचमुच बोर करते हैं ना, बहुत बोरिंग हो चुके हैं ना, बहुत पकाते हैं ना। मुझे किसी ने बोला कि मोदी जी के भाषणों का सार क्या है, बोले क्या कहते, वो एक ही लाइफ कहते थे कि कल 5 तारीख है, कल 5 तारीख थी, आज 6 है, परसों 7 होगी। तो उसके अलावा हाँ भाइयों बहनों भी कहते हैं, भाइयों बहनों एक दिलचस्प बात है, हम जहां से चुनाव लड़े वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है बनासकांठा, तो वहां पर 6 साल पहले आए थे और कहा भाइयों बहनों तुम बनासकांठा के किसानों, तुम हैंडपंप चलाओ, वहां से खनिज तेल निकलेगा, 125 करोड़ जनता का तेल निकल गया, बनासकांठा में पीने का पानी तक नहीं आया। तो साथियों मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आज जिस प्रकार से आपने उत्साह और ऊर्जा दिखाई है, जिस प्रकार से माता राधिका वेमुला लड़ रही है, जेल के अंदर चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, जेल के बाहर साथी उमर और विनय प्रताप लड़ रहे हैं, किसान और मजदूर लड़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है यदि हम सारे लोग एक बार भी एक हो गए 110% केस में मोदी जी को घर बिठाएंगे और इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश के संविधान को बचाएंगे। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कर्नाटका में भी चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव आ रहे हैं, राजस्थान में भी चुनाव आ रहे हैं, सारी वो संस्थाएं, सारी वो संगठना, सारी वो पॉलिटिकल पार्टियों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारे मतभेद भूलकर एक मंच पर आ जाओ। चुनाव में कौन जीतेगा कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उसमें मुझे दिलचस्पी नहीं है, भाजपा हारना चाहिए इसमें मुझे दिलचस्पी, और इसलिए हारना चाहिए कि ये फासीवादी ताकतें, ये वो ताकतें हैं जो हिटलर और मुसोलिनी की फिलोसोफी में यकीन रखते। तो एक तरफ वो लोग हैं जो सावरकर और गोलकर में मानते हैं, दूसरी तरफ हम वो लोग हैं जो सावित्रीबाई फुले, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर में मानते हैं। तो साथियों 2019 में जो महासंग्राम होने वाला है, उस महासंग्राम के लिए हम सब लोग तैयार हो जाए और भीमा कोरेगांव की इस लड़ाई में से यही सीखे कि पेशवाई हो या नौ पेशवाई, एक हो गए तो दोनों को मजा चखाएंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।